नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आइए इस महाशिवरात्रि के दिन पर हम जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें कम ही लोग जानते होंगे। क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? मान्यता है कि आज ही की तिथि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। और एक और बात ये है कि आज ही के दिन अपने अग्रि स्तंभ रूप में भगवान शिव विष्णु जी और ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए थे। भगवान शिव को जलधारा, दूध और बेल पत्र क्यों चढ़ाते हैं? दोस्तों, ये माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय विषपान कर लेने से भगवान शिव के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था और उन्हें शीतलता देने के लिए उन्हें जलधारा, दूध और बेल पत्र चढ़ाया जाता है। भगवान शिव का त्रिशूल क्या संदेश देता है? दोस्तों, माना जाता है कि त्रिशूल के तीनों नुकीले सिरे तीनों काल यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाते हैं, और कालों के स्वामी तो हैं ही हमारे शिव जी, इसलिए वो त्रिशूल धारण करते हैं। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? समुद्र मंथन के समय जब शिव जी ने विषपान किया था तो उस विष को उन्होंने अपने गले में ही रोक दिया था, इस वजह से उनके गले का रंग नीला पड़ गया था और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। दोस्तों, तीसरी आंख जो है शिव जी की, वो विवेक का प्रतीक है। कई बार दोनों आंखों के देखने के बाद भी हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, ऐसे में हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यही प्रतीक है भगवान शिव की तीसरी नेत्र का। शिव जी के माथे पर चंद्रमा क्यों है? चंद्रमा यानी शीतलता। शिव जी के माथे पे जो चंद्रमा है, ये ठंडे दिमाग से निर्णय लेने का प्रतीक है। मतलब जब भी कोई कठिन परिस्थिति हो, अपने मन को, दिमाग को शीतल करके निर्णय लेना चाहिए, ऐसे में हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। शिव जी को भस्म क्यों लगाई जाती है? भस्म यानी राख, और जब किसी भी व्यक्ति का अंत होता है तो वो राख में बदल जाता है और वो जो आत्मा है वो भगवान शिव में समाहित होती है, इसलिए राख भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।